मध्य प्रदेश में गोंदिया से अच्छी महक आती है, इसलिए मैं हमेशा गोंदिया आ रहा हूँ। यह एक प्रेम घटना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोंदिया में कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वह गोंदिया में गोंदिया शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि और गोंदिया की माटी में वो विशेषता भी है कि वो प्रेम करवाई देती है, और ये गोंदिया के गुण है। तो मध्य प्रदेश में खुशबू बिखेरते रहते हैं और हम लोग आगे बढ़ के काम करते रहते। मैं माफी चाहता हूँ, काफी देर से पहुंचे, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। गोंदिया का मौसम बेईमान हो गया था, हवाएं, धूल, धक्कड़, पायलट ने कहा था उतर नहीं सकता, तो भोपाल में बड़ी देर तक रनवे पे खड़ा रहना पड़ा, फिर उतरना पड़ा। अंततः हमने फैसला किया कि नागपुर जाएंगे, और अगर पहुंचे गोंदिया बाई एयर तो ठीक है, नहीं तो बाई रोड जाएंगे। लेकिन अंतिम सीमा जो यहाँ उतरने की थी उसमें हम विमान से यहाँ पहुंच गए। यहाँ के युवा डॉक्टर मित्रों ने एक अस्पताल प्रारंभ किया, उसका भी कार्यक्रम था। कल मैंने राजेंद्र जी को पटाने की बहुत कोशिश की कि आज रहने दो, बोलने के अभी चाहिए कार्यक्रम, लेकिन थोड़ी देर हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। स्वर्गीय मनोहर भाई के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। वह राजनीतिक टिप्पणी से बचकर मध्य प्रदेश में गोंदिया शैक्षणिक संस्थान के विस्तार में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और गोंदिया के दामाद है, और शैक्षणिक क्षेत्र में एक बड़े व्यक्तित्व का आना गौरव की बात होती है। तो शैक्षणिक क्षेत्र के इस महाविद्यालय में उन्होंने भेंट दी और एक अच्छे तरीके से उनकी ये शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर उन्होंने बोला, और हमने उनसे निवेदन किया कि हम भी गोंदिया शिक्षण संस्था का विस्तार करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी अच्छी शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमको अपनी आज्ञा दी और कहा कि आप आइए, मध्य प्रदेश सरकार भी आपकी मदद करेगी। गोंदिया से बीसीएन न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।